के सहारनपुर में शहर की प्रमुख फवारा चौक स्थित जामा मस्जिद पर अलविदा जुम्मे की नमाज के बाद युवकों ने हंगामा कर दिया। सड़क पर नमाज पढ़ने को रोके जाने को लेकर गुस्साए युवकों ने करीब आधे घंटे तक अल्लाह अकबर के नारे लगाए। पुलिस से युवकों की जमकर नोकझोंक हुई। जानकारी के अनुसार शहर की जामा मस्जिद पर अलविदा जुम्मे की नमाज के लिए लोग एकत्र हुए थे। नमाज होने के बाद कुछ युवकों ने हंगामा कर दिया और अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए। सूचना पर पुलिस टीमें मौके पर पहुंची और युवकों से बात की। इस दौरान कुछ युवकों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। मौके पर नगर कोतवाली के अलावा RFF और PAC बल भी तैनात किए गए। पता लगाने पर आसपास के थानों की पुलिस फोर्स को भी मौके पर बुला लिया गया। करीब आधा घंटा तक युवकों ने जमकर हंगामा काटा और अल्लाह अकबर के नारे लगाते रहे। इसके बाद पुलिस ने युवकों को वहां से हटाया तो वे चौकी सराय की तरफ चले गए और वहां भी हंगामा करते हुए नारेबाजी की। पता लगने पर DM अखिलेश सिंह और SSP आकाश तोमर भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने हंगामा कर रहे युवकों को समझाकर मामला शांत कराया। वहीं जामा मस्जिद के प्रबंधक मौलाना मौलवी फरीद का कहना है कि कुछ युवकों ने हंगामा किया था। अलविदा जुम्मे की नमाज सकुशल संपन्न हो गई है। उन्होंने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। बताया गया कि जामा मस्जिद के बाहर युवकों द्वारा हंगामा किए जाने का पता लगते ही शहर भर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया और आसपास के व्यापारियों में भी दहशत का माहौल बन गया। शहर में अफवाह फैल गई कि जामा मस्जिद के बाहर बवाल हो गया है। इसको लेकर बाजारों से लोग घरों की तरफ लौटना शुरू हो गए। वहीं आसपास की कुछ दुकानें भी बंद हो गई। बाद में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने मामला शांत कराया। SSP आकाश तोमर का कहना है कि शहर की जामा मस्जिद पर अलविदा जुम्मे की नमाज के बाद लौट रहे कुछ युवकों ने मीडिया कर्मी द्वारा सवाल किए गए, जिसके जवाब में युवकों ने हल्ला गुल्ला करना शुरू कर दिया। इसके बाद नारे लगाने शुरू कर दिए। हालांकि अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया। वहीं क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी हुई है। जिन मीडिया कर्मियों ने भ्रामक और अफवाह पूर्वक सवाल किए गए हैं, उनसे भी स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।